फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोहिनी लाइफ स्टाइल। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को भी लग रही होंगी ना, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली जो चीज़ें मैं चाहती थी वो मैं कर पा रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ और बताऊँगी आप लोगों को फाइनल कि क्या कर रही हूँ। बट हाँ, अभी काम लग गया है तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि क्या काम लगा है। और अंदर देखो, चिया अंदर घुस गई है कमरे में, क्योंकि हमेशा जब भी वो आती है ना ऐसे ऊट पटांग कपड़ों में ही रहती है और उसको फिर लगता है मेरे को मत लेना मत लेना। ये देखो आ गई है सुबह सुबह, तो हम भी चलेंगे। हाय हेलो, हेलो हाय हेलो करना पड़ता है कुछ यहाँ पे, कुछ फर्ज बनता है आपका इस चैनल के प्रति। हाँ बिल्कुल पड़ता है, ये मेरा ही तो चैनल है। वो देखिए पीछे को वो पीछे बाल बना के कौन जूड़ा उड़ा बना के सरदार जी बनी है, वो देख लीजिए। तो ये नाव आके आई हैं बाल बाल धो के, आज मैंने भी बाल धोए, इन्होंने भी बाल धोए। तो अभी आपको दिखाती हूँ क्या काम चल रहा है। और घर की तो हालत वैसे ही बेकार हो रखी है क्योंकि काम चल रहा है, तो उस वजह से साफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए आपको पहले बैकग्राउंड से दिखा दूँ क्या हो रहा है। तो देख लीजिए आप लोग, काम स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं ड्राइंग रूम अपना बनवा रही हूँ, तो ये बरामदा हमारा काफ़ी बड़ा था जो कि यूज़ में इतना नहीं आता था, तो इसको पार्टीशन करके हम लोग एक ड्राइंग रूम बनवा रहे हैं और किचन भी बनेगा। तो पहले स्टार्ट हो चुका है काम, तो मैं बहुत खुश हूँ और फाइनली मैं अपने हिसाब से कमरे को सजा पाऊँगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जब हम रहते हैं ना तो अपने हिसाब से बहुत कम चीज़ें हो पाती हैं। फिर अगर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वीडियो बनाएंगे। आज बहुत अच्छा सा प्लान भी हमारा कुछ, और किसी को परेशान करने का। हाँ किसी को परेशान, और उसको हम इतना परेशान करेंगे आज जाके, और क्योंकि हर टाइम भाभी प्लीज़ घर पे आना, भाभी प्लीज़ घर पे आना, तो आज हम फाइनली जाके उसको परेशान करने वाले हैं। और अभी उसका खुद परेशान करने वाले क्या, वो हो रही है, तब से कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, 7-8 बार हो चुका है। भाभी भाभी को कौन सी पसंद है, क्या पसंद है भाभी तो बार बार फोन कर रही है। और अब हम लोग जाएंगे, कुछ काम भी है, और कल है शानवी का बर्थडे, देखो नाम लेते ही शानवी आ गई। तो कुछ बहुत अच्छा सा प्लान किया है, कल का जो ब्लॉग आपको मिलेगा ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस एक चीज़ पे बात अटकी है, वो एक चीज़ मिल जाए बस फिर आपको पता चलेगा क्या सरप्राइज है शानवी के बर्थडे पार्टी में, और जो कि कल है 25 को। और आज तो फिलहाल ये सब हो रहा है घर में, और अभी चेयर में जाएंगे मुस्कान को परेशान करने, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मुस्कान को हम कैसे टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर आ गई मैं घर पे, और वहाँ जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, चिया के फ्रेंड के यहाँ गई थी, वहाँ हम लोग बातों में ही लग गए थे। और फिर जब लास्ट में जाने का टाइम आया तो मुझे लगा थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो वो कहने लगे मैं पहले कपड़े चेंज कर लूँ, मैं पहले ये कर लूँ, वो कर लूँ। मैंने कहा ऐसा क्या, रहने दो मेरे को करने नहीं, मेरे को लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा 2-4 चीज़ें लेनी थी कल शानवी के बर्थडे के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकल गई थी। फिर मैंने कुछ भी रास्ते में भी शूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि बारिश भी आने लगी थी और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ बारिश कैसे हो रही है। और मैं ये वाला सूट पहन के गई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला सूट, ये मेरी मम्मी के यहाँ से मैं लेके आई थी। सारे सूट जो अच्छे लग रहे हैं वो मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, तो इस बार मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी ये ब्लैक कलर का सूट, और इसके साथ ना येलो कलर का दुपट्टा है। अभी आपको दिखाती हूँ, पहले आप लोगों को बाहर बारिश दिखाती हूँ। तो जब तक मैं आपको बारिश दिखाती ना, तो बारिश जा चुकी थी और धूप आ चुकी है, आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है। और यहाँ पे अविनाश बैठे हैं, काम देख रहे थे, तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ये कमरा कम्प्लीट हो और कब मैं इसको सजाना शुरू करूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। आपको मेरे फेस पर दिख ही रहा होगा वो खुशी। तो ये सफाइयाँ करते वक्त ना मुझे ये खजाना हाथ लग गया है, और ये है बाबू का बक्सा। बाबू मतलब अविनाश के दादाजी। तो जब मैं आई थी तब दादाजी तो नहीं थे, वो इस दुनिया से जा चुके थे, बट हाँ दादी थी, तो दादी की भी दीवी सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है, उनकी दीवी साड़ी या उनसे जुड़ा जो भी चीज़ था वो मैंने संभाल के रखा है। तो ये बाबू का बक्सा मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और इसको मैं जल्दी देखिए आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं इसको कलर वगैरह करके और अच्छे से मैं इसको यूज़ करूँगी, उनका आशीर्वाद समझ के या जो भी समझ के मैं यूज़ करूँगी इसको। और काफ़ी अच्छा ये बक्सा है, छोटा सा है बट काफ़ी हैवी है, ये बहुत हैवी बक्सा है, और इसमें ये यहाँ पे लॉक भी लगा है। तो मैं इसको जल्दी ही मेकओवर इस बक्से का करूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मेरे हमारे यहाँ इसको बक्सा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, बॉक्स वगैरह या जो भी है, तो ये इस तरीके का है। तो मैं इसको जल्दी से सही करूँगी और ज़रूर यूज़ करूँगी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, पुरानी चीज़ें या हमारे बड़ों की चीज़ें
जो रह गई हूँ हमारे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो दादी बाबू की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में, बट ये बक्सा एक अलग रखा था जो कोई यूज़ नहीं करता, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी। दादी बाबू का तो सब कुछ उन्हीं का है यहाँ घर में, और बहुत सारी चीज़ें वो हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, तो बस ये भी उन्हीं में से एक चीज़ है जिसको कि मैं बहुत अच्छे से सजा के रखने वाली हूँ अपने पास। और आप जल्दी देखोगे कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, इसमें एक लॉक दिखा दिया कितना काम हुआ है, और बहुत धीरे, मतलब मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, बस जल्दी से हो जाए, फटाफट से बन जाए और मैं उसके बाद सजाना शुरू कर दूँ। क्योंकि कितनी, मतलब जो भी मेरी तरह हाउस वाइफ जो है उनको बस यही अच्छा लगता है, बस घर बनाना, सजाना, अपने हिसाब से रखना। तो मतलब मेरा भी ऐसा मन है कि फटाफट से बन जाए और मैं फटाफट से सजाना शुरू करें। तो ये हमारे साथ क्यों आई हैं, क्यों आई हैं आप, आखिर बताएंगे कुछ? हम लोग शॉपिंग किए थे और वही दिखाने लगे। हम लोग मार्केट गए थे, बट हम लोग कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रहे थे, और फ्रेंड के घर भी इसके गए थे, तो हम लोग बात करने में इतने मस्त हो गए थे, वीडियो ही भूल गए कि वीडियो बनाना है। फिर जब मैंने लास्ट में बोला कि हाँ वीडियो बनाते हैं, फिर ये मैं चेंज कर लूँ, मेरे कपड़े अच्छे लगे, मैंने कहा रहने दो, अब बना भी नहीं, अब लेट हो रहा है हम लोगों को, हम चले जाएँ। फिर किसी और दिन जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको उनके घर का, मतलब मैं उनके घर पर जाकर शूट करूँगी, क्योंकि उनका घर ना बहुत प्यारा था, मतलब बहुत प्यार से उन्होंने बहुत अच्छे से सजा रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा बहुत पसंद है ना घर सजाना और ये सब, तो उनका घर बहुत प्यारा था, बर्ड्स भी थी, फिश भी थी उनके घर में, मतलब बहुत प्यारा घर था। तो चलिए अभी हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। गए हम लोग किसी और काम से थे, हमारा काम हुआ नहीं, तो हम लोग लेके कुछ और आ गए। तो सबसे पहला टॉप हम वो दिखाते हैं जिसमें हमारी सबसे पहली नज़र गई थी, ये तो सबसे पहला टॉप ये था, और ये लिया चिया ने 449 का, तो ये वी मार्ट में मिला है, और ये धागा लगाया ख़राब नहीं है, बट काफ़ी अच्छा, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मतलब एक सॉफ्ट सा, क्या बोलेंगे इसका, लेकिन वेलवेट टाइप का कुछ सॉफ्ट सा है, और ये तो टी शर्ट वाला जो मटेरियल होता है ये वही है, और ये थोड़ा सा वेलवेट वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमको ये टी शर्ट। तो फर्स्ट नज़र में पहले यही आया था, तो हमने ये पसंद कर लिया। फिर सेकंड हमने फिर देखा वहाँ पे इतना सारा था, हम लोग ढूंढ रहे थे। वैसे तो हम लोगों की खुद की शॉप है कपड़े, हम लोगों की खुद की शॉप है कपड़े की, पर फिर भी हम लोग बाहर से ले आए, वो होता है ना दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी की भी और दूसरी, अभी अभी इनके भैया देखेंगे ना तो वो भी चिढ़ेंगे कि क्या तुम लोग दूसरे के यहाँ से कपड़ा लेके आए हो। कुछ वीडियो रुक रुक के आ रहा है ना, अगर आना कुछ वीडियो रुक रुक के चल रहा है तो कहीं उस दिन वाली प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने पहले ही चेक कर लिया। तो सेकेंड हमने ये लिया, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी पहले खुद ही कपड़े की शॉप है, पर हम लोग फिर भी ले आए, और अभी इनके भैया देख लिया तो चिढ़ेंगे। तो सेकंड हमने ये लिया, तो काफ़ी प्यारा टॉप है, मतलब टॉप क्या टी शर्ट है, हाँ टी शर्ट है टॉप, बट ये डिटेल इसमें सीक्वेंस वगैरह ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। और वैसे ना मुझे भी और इसको भी, हम लोग को ना वो फ्रिल व्रिल वाले टॉप कम पसंद आते हैं, ज़्यादातर प्लेन टी शर्ट, मुझे भी प्लेन टी शर्ट बहुत पसंद है, हालांकि मैं पहन नहीं पाती, वो बात अलग है, मैं यहाँ नहीं पहन पाती, पर मैं कभी बाहर जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। तो सेकंड ये, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा, मतलब टी शर्ट का जो मटेरियल है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट जो जैसे स्पोर्ट्स वाला कुछ कपड़ा होता है ना, उस टाइप का मटेरियल है, और काफ़ी अच्छा है। तो सब ये मीडियम साइज़ में ही है, और थर्ड हमने ली है सबसे प्यारी क्यूट सी, ये देखिए ये टी शर्ट ली, और इसके गले का ये डिटेल देखिए, ये भी चिया की है, ये वाली मेरी थी, ये मैंने शानवी के लिए ली ऑरेंज वाली, और ये चिया की है, तो इसका मटेरियल देख लीजिए और ये देख लीजिए, इतना प्यारा इसमें काम हुआ है। और प्राइस इसका भी 449 ही है। तो ये टी शर्ट एक ली थी, मटेरियल इसका भी काफ़ी अच्छा है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, बट टी शर्ट इतनी पसंद आ गई कि हमने ले लिया, कोई बात नहीं, लूज पहन लेंगे। और इस वाली का मैं रेट बता दूँ आपको, ये है 269, मतलब वही 270 की पड़ी, बट काफ़ी अच्छा है मटीरियल वाइज, काफ़ी अच्छा है। और फोर्थ जो टॉप है वो हमने थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का ले लिया, क्योंकि टी शर्ट ले ली थी, तो ये आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, पर ये क्रॉप है, इस टाइप का क्रॉप है ये, और इस टाइप की इसमें स्लीव्स है, और इधर बैली स्लीव्स बोलते हैं ना इसको, और साइड में ये इलास्टिक दे रखी है, तो ये जॉर्जेट टाइप का मटेरियल है, जिसमें कि इस तरीके की डिटेल दे रखी है फ्रंट से और बैक से, ऐसा इलास्टिक टाइप का है, तो ये मतलब कोई भी पहन सकता है, ये पहन सकती है, मैं पहन सकती हूँ, मैं तो ज़रूर पहनूंगी मैं किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर मिल जाऊंगी आपको इसको पहने हुए, क्योंकि इसके कोई भी कपड़ा वो होता है ना, मतलब हालांकि बहुत जल्दी, मतलब ऐसा कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया, बट मैं इसमें ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा, और इसमें एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं चिया के ले लेती हूँ, हम दोनों का एक दूसरे को कपड़े आ जाता है, मतलब
फिटिंग विटिंग एकदम परफेक्ट आती है, अगर सूट वूट भी पहनते हैं तो एकदम परफेक्ट आती है, हम दोनों को हो जाता है। तो होना चाहिए ना घर में एक दो लोग ऐसे। मुझे मेरी देवरानी का भी आ जाता है, छोटी वाली देवरानी और इसकी देवरानी का भी आ जाता है, मतलब तीनों लोगों का एक दूसरे का आ जाता है। देवरानी का मुझे आ जाता है, तो उसकी साड़ी वगैरह मतलब कभी ब्लाउज ब्लाउज पहनना हो तो पहन लेते हैं हम लोग। मेरी यश बताइए दोनों भाभियों का आ जाता है, इनका भी एकदम मजे हैं कि मतलब हम दोनों के कपड़े ये ले लेती हैं, इसको आ जाता है और बस क्या करेंगी इंस्टा पे फोटोज, बाकी और कोई काम ही नहीं है। कपड़ा पहन के वो बाहर नहीं जाएंगी, बस घर में पहन के इंस्टा पे फोटो लेंगे, बस हो गया इनका काम। तो ये टॉप में मैं ज़रूर ना एक मेकअप शूट करूँगी, चाहे जो भी करूँगी, बट इस टॉप को पहन के कुछ तो करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो सिंपल टी शर्ट है, ये तो हम लोग कभी भी पहन सकते हैं, कैसे भी पहन सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अच्छा था। हैट वाली कितनी प्यारी लग रही है, इतना प्यारा, कितनी प्यारी सुंदर लग रही है। लोग इस बिल्ली के मुंह को देंगे देखेंगे, फिर तुम्हारे मुंह को देखेंगे कौन ज़्यादा क्यूट है, कौन ज़्यादा म्याऊ म्याऊ टाइप है, दोनों को देखेंगे। तो ये थी हमारी शॉपिंग, और अंदर देखो शानवी क्यों इतना चिल्लम चिल्ली हो रही है, फ्री फायर हो रहा है, इतना फ्री फायर खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, मतलब ऐसा लगता है वो जंग में, ये सही में उस जंग में घुसे हैं, जंग लड़ रहे हैं कोई। और तीन तीन लोग बैठे हैं अंदर, सिद्धू सिद्धू शानवी जरा बाहर आओ एक मिनट, तीनों लोग आओ। कौन सी जंग लड़ी जा रही है जरा बताओ, फ्री फायर मतलब क्या, इतना तुम लोग मैदान में घुस गए हो, आर्मी आर्मी में भर्ती हो गए हो, देश की रक्षा कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, सोच रहे हो हम लोग दूसरों को मार रहे हैं। फ्री फायर से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, अरे ये देखो सही में मारो। हाँ सिद्धू तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है फ्री फायर से, हमें मिलती है कि मारो या फिर मार के गिर जाओ मारो या फिर मर के गिर जाओ ये शिक्षा मिलती है लोगों को। देख लीजिए कैसे मतलब बच्चे एकदम अग्रेसिव हो रहे हैं ये फ्री फायर खेल के, और इन लोगों को अभी मिला है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पूरा दिन ये लोग फ्री फायर खेलते हैं, अभी इन लोगों को मिला है, अभी ट्यूशन टीचर आ जाएंगे तो ये ट्यूशन पढ़ेंगे, आधे घंटे के लिए मिला है बस, चार हेड मारे आधे घंटे के लिए बस इन लोगों को मिला है। तो चलिए वीडियो पता नहीं कितना हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं किया, नॉर्मल थोड़ा बहुत शूट कर लिया। तो बस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद का कुछ दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं, और किचन में कुछ बनाऊँगी जो बनाऊँगी, तो फालतू मैं लंबा वीडियो करके मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ कि फालतू बस मैं टाइम पास के लिए मैं बस बनाती जाऊँ। मेरे पास इतना ही था आज के लिए दिखाने के लिए, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ तो नहीं बताना पड़ेगा ना, और बताइएगा कौन सा टॉप सबसे अच्छा है। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से सबसे अच्छा टॉप आपको कौन सा लगा, आप अपनी चॉइस बता रही है क्या, मुझे ये अच्छा लगा, मतलब ये प्यारा लगा, ये क्यूट सा कितना प्यारा है, भाभी देखिए कंपेयर करते कौन सा अच्छा है, दोनों बराबर है, किसी कम को नहीं कहते, ये अपना कैजुअल में ठीक है, वो पार्टी में ठीक है, यस काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी ना वो नहीं ले रखा है ट्राईपॉड का, वो नहीं तो पिक क्लिक करते हैं, ऐसे अभी पिक क्लिक करते हैं तो वो थंबनेल पे लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा, ठीक है कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। और शॉपिंग तो हम लोग बहुत सारी करके आए थे, पर खा पी लिया सब, तो ये भी ऑफर में चल रहा था वहाँ पे वी मार्ट में, ये 15 रुपये का था और एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, तो हम लोगों ने चार लिया था तो बाय वन गेट वन फ्री है। टेस्ट का हमको पता नहीं था कि कैसा होगा, बट टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा था, तो आप लोग भी जाके ले सकते हो वी मार्ट से, साढ़े 7 रुपये का एक पड़ा तो काफ़ी अच्छा है, ले सकते हो, टेस्ट भी अच्छा था। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय।